ਜੈ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का, मोर्चे का, जिन्होंने लगातार साढ़े तीन महीने से लगातार आवाज उठाई है हमारी रिहाई के लिए। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है, एक महीने से, मेरे को लगता है सारे इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा। उसके बाद चाहे MLA का घेराव हो गया, MP का घेराव हो गया, और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई, तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और अपने वकील साहिबान का, रोही जैन जी का, जो पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। किसानी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, सच्चक की लड़ाई है। बाबे नानक ने सिखाया हुआ है कि हाँ, अपने सच्चक पीछे लड़ना है, ठीक है। सच्चक पीछे अगर लड़ाई की लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया, शहीद भी होना पड़ गया, तो शहीद भी हो जाएंगे, पर पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। किसानी की लड़ाई और MSP गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे, जो भी आगे कॉल होगी। जैसे पहले पगाइयां ऐसी फिर करके पूरा उसे अपना सारी कॉलों को ऐसे ही पूरा करेंगे सारे के सारे मिलके। तो सबका धन्यवाद। मुसीबतें जेल है जी, जेल जेल की तरीके से काटते हैं। मुसीबतें हैं, मुसीबतें भी, अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की लड़ तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे भी अंदर चल रहे हैं, अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी, हाँ, मनुष्य मनुष्य का साथी है, मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना, है ना। तो अंदर भी ठीक है, माहौल बढ़िया है, पर है भी ये भी थोड़ी जो भी है दिक्कतें हैं ना, जेल का जो जैसी जेल होती है, जेल तो जेल की तरह ही होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे, है ना। वैसे ही हौसले बुलंद हैं, जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे ना, या फिर खंभू मोड़ते भी होते थे, ऐसे ले हौसले आ जाएं। बाकी कल हौसला, कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे दोबारा। उसको लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के, अपनी कौम के, है ना, जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो CIA के अंदर हो गए, नाम भी लेना चलो छोड़ो, क्या लेना नाम, है ना, जो CIA इंस्पेक्टर है पता ही है सबको उनका, है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, ठीक है, वो कौम के गद्दार है ना, उन्होंने जो थर्ड डिग्री किया, जो पर्सनल कुंडल निकालते हैं ना, तो हैं कौम के गद्दार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें काट ली, ठीक है, तशद्दुद भी सहली, है ना, पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है। हमें डरा थोड़ी दिया इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें, यहाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे। 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा। बोले